आज मैं आप लोगों को बूट स्ट्रैप के अंदर का मॉडल कंपोनेंट के बारे में बताते हैं। मॉडल एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि स्क्रीन के ऊपर ही होवर होकर आपको कोई कंटेंट दिखाया जा सकता है, और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत सारे वेबसाइट में इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल बूट स्ट्रैप के कंपोनेंट से उठाकर कर सकते हैं अपने वेबसाइटों में, और बहुत ही कारगर है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके क्लासेस के बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या क्या बताऊँगा इसके बारे में। तो बूट स्ट्रैप के मॉडल के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। सबसे पहला क्लास जो है मॉडल के लिए, वो है कि आपको एक सिंपल मॉडल बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक क्लास का नाम, जिसका नाम हुआ सॉरी मॉडल। ठीक है, ये इसका बेस है, इसकी ज़रूरत एकदम कंपलसरी है। नंबर टू, आपके पास होना चाहिए मॉडल डैश डायलॉग। ठीक है, इस तरीके से आपके पास होना चाहिए मॉडल डैश कंटेंट, इसी तरीके से आपके पास होना चाहिए मॉडल डैश आपका हेडर, इसी तरीके से मॉडल डैश बॉडी और मॉडल डैश फूटर। मॉडल के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वो अच्छे से अट्रैक्टिव तरीके से आए, तो आपको उसमें क्लास यूज करना होगा फेड। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्क्रॉलेबल बन जाए, तो स्क्रॉलेबल बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको एक क्लास यूज करना है, इसका नाम है मॉडल डैश इस डायलॉग डैश स्क्रॉलेबल, स्क्रॉलेबल इस तरीके से। ठीक है, स्क्रॉलेबल, और आप ये यूज करेंगे मॉडल डैश डायलॉग वाले क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीच में दिखे, तो आपका क्लास होगा मॉडल डैश डायलॉग डैश सेंटर, इस तरीके से। ठीक है, सेंटर्ड सॉरी ईडी सेंटर्ड। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो क्लास है वो सेंटर्ड में नहीं आकर आप उसको दिखाना चाहते हैं अलग अलग अलाइनमेंट बेसिस पे, तो उसको भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि साइज चेंज करें अपने मॉडल का, तो आप यूज़ कर सकते हैं मॉडल डैश एक्सेल एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, एलजी नॉर्मल के लिए और एसएम स्मॉल के लिए। ठीक है, तो आप ये तीनों कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं। इसमें मिडिल बाय डिफॉल्ट होता है, तो मिडिल के अंदर में एमडी के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। याद रखिए ये एक जावास्क्रिप्ट कंपोनेंट है, तो आपके पास जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप का लिंक होना चाहिए। लिंक करने के लिए आपके पास मैंने बताया है पहले वाले वीडियोज में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर पहले वो पुरानी वीडियो देखें, हाउ टू इंस्टॉल देखें, और उसके बाद एक एक करके आए, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर में अपना ये प्रोजेक्ट फोल्डर ले लेता हूँ जो मैंने हमेशा यूज़ किया है इस पूरे सीरीज में। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप का एक फाइल जो मैंने यहाँ बना रखा है, लास्ट टाइम मैंने ड्रॉप डाउन इसमें बनाया था, आज मैं आपको इसमें मॉडल बना के दिखाता हूँ। मॉडल बनाने के लिए जो हमको ज़रूरत है, वो मुझे सबसे पहले एक बटन की ज़रूरत है, तो मैं बटन बनाऊंगा बटन के टैग से, इस तरीके से बटन टाइप बटन, और क्लास लगाऊंगा btn डैश डेंजर। ठीक है, और यहाँ लिखूंगा डाटा डैश टॉगल, और डाटा डैश टॉगल लिखने के बाद मुझे उस एलिमेंट के बारे में लिखना होता है जो मैं यूज़ करूंगा जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि यहाँ पर डाटा डैश टॉगल की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मॉडल। ठीक है, तो मॉडल मुझे डाटा डैश टॉगल में लिखना है इस तरीके से, मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉडल, और फिर लिखना है डाटा डैश टारगेट। टारगेट एक्चुअल में उस कंपोनेंट को टारगेट करता है जिसका मुझे इस्तेमाल करना है, तो मैं यहाँ पे हैश लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आईडी में टारगेट करूँगा। और इस तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक लिख देता हूँ, बटन का नाम नॉर्मल है। अब मैं यहाँ एक डिवीजन बनाता हूँ जिसका क्लास होगा मॉडल। ठीक है, अगर मुझे चाहिए उसमें एनिमेशन, तो मुझे लिखना होगा फेड, और उसी तरीके से उसमें मैं आईडी मेंशन करूंगा आईडी, और आईडी का नाम वही रखूंगा जो मैं टारगेट में लिखा था डॉकिंग। याद रखिएगा हैश तो खुद एक आईडी है, तो वहाँ पे हैश मेंशन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको लिखना रोल और डायलॉग, इस तरीके से डिवीजन बंद हो गया। ये इसका मेन एरिया वाला डिवीजन है। उसके बाद मुझे लिखना होगा मॉडल डैश कंटेंट, इस तरीके से। मॉडल डैश कंटेंट के अंदर में याद रखेंगे तीन चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले मॉडल डैश हेडर का सेक्शन। हेडर सेक्शन में आप S2 में हम लिख देते हैं दिस इज हेडर। ठीक है, इसी तरीके से
बॉडी का सेक्शन होता है, तो मैं इसका नाम बॉडी रख लेता हूँ, और इसके अंदर में मैं छोटा सा पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ आपको, देखो ठीक है। ये पैराग्राफ का कोई मीनिंग नहीं, ये एकदम प्लेस होल्डिंग के लिए है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और मॉडल का सेक्शन है, मॉडल डैश फूटर, जिसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, मॉडल डैश फूटर के अंदर में मैं बटन्स बनाता हूँ, बटन के ही टाइप से, इनपुट टाइप बटन ठीक है, और इसके क्लासेस देता हूँ, सिंपल सा क्लास बी टी एन डैश डार्क ठीक है। इस तरीके से अगर मुझे ये बटन इस मॉडल को बंद करने के लिए बनाना हो, तो लिखना होगा डाटा डैश डिसमिस ठीक है, इस तरह से डिसमिस, और यहाँ पे मुझे लिखना होगा मॉडल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लोज ठीक है। इसी तरीके से कोई और बटन अगर आप बनाना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप जितना फोटो सेक्शन में ऐड करेंगे उतना ऐड हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल है, मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ, मॉडल दिखता कैसा है, तो ये मॉडल कुछ होता क्या है देखिए। ये क्लिक करने के बाद एक मॉडल सामने आ जाएगा, ये देखिए मॉडल पूरा विथ का आ रहा है, ये तो गलत हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत है मॉडल। अच्छा, मैंने तो मॉडल डैश डायलॉग का क्लास छोड़ दिया, तो ध्यान रहे मैंने यहाँ पे गलती की है, यहाँ पे मुझे एक लिखना पड़ेगा क्लास मॉडल डैश डायलॉग इस तरीके से, और इसका जो एंडिंग टैग होता है वो कंटेंट के बाद होता है, तो ये मेरे से गलती हो गई, जिसको ध्यान आपको रखना होगा ठीक है। और देखिए अब आपका ये क्लिक करने पे ऐसा सेक्शन दिख रहा है, वंडरफुल है, बहुत मज़ेदार है, सबसे सही है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ऊपर वाला हेडर सेक्शन है, उसके नीचे एक लाइन खिंचा हुआ है, नीचे बॉडी सेक्शन, आप यहाँ पे फॉर्म टेबल आप इमेज जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। नीचे कॉल क्लोज बटन काम कर रहा है या नहीं, देखिए काम कर रहा है, तो ये क्लोज बाहर के एरिया से भी हो जाता है, अगर आप बाहर में कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बाहर के एरिया पे क्लोज ना हो, तो उसके लिए आपको स्टैटिक मॉडल बनाना होता है। स्टैटिक मॉडल बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा एक छोटा सा बात, जैसे आप बनाते हो डायलॉग वाला क्लास, तो उसमें आपको लिखना होगा डाटा डैश बैक ड्रॉप ठीक है, इस तरीके से बैक ड्रॉप, और उसके बाद आप लिखेंगे इज इक्वल टू स्टैटिक। अब मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए मैं बाहर क्लिक, ओ सॉरी, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो काम कर रहा है, तो मुझे बनाना था बाहर क्लिक करने वाला नहीं, तो मुझे करना होगा स्टैटिक ड्रॉप लेट बनाने के लिए, ओ सॉरी, मैंने यहाँ डाटा डैश बैकड्रॉप जो मैंने डाला है वो गलत जगह डाल दिया, मुझे यहाँ डालना था मेन वाले डिवीजन में। अब मैं दिखाता हूँ आपको, क्लिक करता हूँ, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ये क्लोज नहीं हो रहा है, यानी आउटसाइड एरिया में क्लिक करने से क्लोज नहीं हो, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा मेन वाले डिवीजन में डाटा डैश बैकड्रॉप, और उसमें स्टैटिक लिखना पड़ेगा, उसके बाद ये नहीं होगा। अब मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर मान लेते हैं मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा हो जाए, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा के दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से मैं बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो अब क्या होगा मसला, कि मुझे ये पूरा पेज को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तब ये दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ इसी में इस यहाँ पे स्क्रॉलेबल हो जाए, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा स्क्रॉलेबल बन जाए, तो आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे आपने डायलॉग लिखा है ये वाला, इसी में एक क्लास और जोड़ना है, मॉडल डैश, सॉरी, मॉडल डैश डायलॉग डैश स्क्रॉलेबल, इस तरीके से। अब क्या होगा कि जब हम क्लिक करेंगे, तो आपका एक्स्ट्रा ओवर द कॉन्टेंट है वो स्क्रॉलेबल इस तरीके से हो जाएगा। ये काफ़ी असरदार है, आप इसको बना के देखिए ठीक है, और ये क्लोज भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ से क्लोज होगा ठीक। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्क्रीन में जो ये आ रहा है, देखिए ऊपर से मैं थोड़ा सा इसका कंटेंट अब कम कर देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ इसको, तो अगर आप अभी देखेंगे तो ये ऊपर से टॉप में आ रहा है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन नहीं है। अगर आप सेंटर ऑफ स्क्रीन चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेंटर, उसी जगह पे जहाँ पे स्क्रॉलेबल लिखा था। तो देखिए इससे क्या होगा कि आपके स्क्रीन का ये सेंटर पार्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। ये काफ़ी असरदार, काफ़ी बेहतरीन होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका साइज जो आपके मॉडल का है वो नॉर्मल है, आप पूरा स्क्रीन में चाहते हैं, तो आप फिर आपको लिखना पड़ेगा साइज के बारे में, तो डायलॉग वाला ही कॉलम, जो ये वाला कॉलम है, इसी में आपको लिखना पड़ेगा मॉडल डैश एक्सेल, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा लार्ज। देखिए ये मॉडल का जो साइज है वो एक्स्ट्रा लार्ज हो गया है, काफ़ी आसान है। अगर आप यहाँ पर लिखते हैं लार्ज, इस तरीके से LG लगा देते हैं, तो फिर आपका ये जो कंटेंट है ये नॉर्मल हो गया, और इससे ज़्यादा छोटा करना चाहते हैं तो SM लिख सकते हैं आप। SM में क्या होता है कि
कि ऐसे में आप इस तरीके से इतना छोटा सा मॉडल देखते हो, तो मॉडल का आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफी अट्रैक्टिव है, बहुत अच्छा तरीके से काम करता है। आप इसको करके देखिए, याद रखिएगा बूटस्ट्रैप का ये तीन लिंक इसमें होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।